हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुशांत सिंह के केस पे जब बातें उठी थी तो ऐसी बहुत सारी बातें थी, ऐसा लगा था कि इंसाफ तो बस मानो मिल ही जाएगा। चाहे हम बात करें रिया चक्रवर्ती की या उसके भाई की या एक्स वाई जेड किसी भी पर्सन की, एक उम्मीद थी कि हमें बहुत जल्द ही इंसाफ मिलेगा। जिस तरीके का आक्रोश 2020 के जून जून में था, 2020 के जून में था जब सुशांत सिंह के ना रहने की हमें खबर मिली थी, बट आज एक साल होने वाला है, 14 जून को एक साल पूरा हो जाएगा और अभी तक हमें कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं मिली कि एक्चुअल था क्या, और हम किसी भी कंक्लूज़न पे पहुँच ही नहीं पाए। आज से नेट 14 डेज पर एक साल उनके पूरा होने वाला है और अभी भी एनसीबी ने जांच शुरू की है, सिद्धार्थ पठानी और इन सब की, बट फिर भी हमें कुछ भी क्लियर आंसर नहीं मिल पा रहा। सो रियली आई वॉन्ट कि 14 जून आने से पहले हमें जस्टिस मिल जाए। एटलीस्ट एक साल की जो श्रद्धांजलि है हम सुशांत सिंह को उनके उससे दे पाए कि हमें कातिल का पता चल चुका है या फिर हमें उस बात का पता चल चुका है कि जिसकी वजह से सुशांत ने ऐसा किया। वैसे तो मेरे दिल ने कभी गवाही नहीं दी कि सुशांत सिंह राजपूत भी कभी सुसाइड कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर।